Hi friends, this is Sudhir Kove. Today I am going to make you aware about the handwriting and signature mastery program which we are conducting from Thursday to Thursday. The program will be about graphology and signature analysis. Now when I say handwriting and signature analysis, what all we are going to consider. And before that, let me introduce what is graphology or what is handwriting and signature analysis to you. Handwriting and signature analysis is nothing but understanding your subconscious mind, your thought pattern, your way of thinking from your handwriting. What happens when you think, there is a lot of interaction between your brain cells, and when these brain cells interact with each other, they, and when you try to write on the paper, that current gets the form of line, loop and curve. So it's very easy for any graphologist to understand your mind through the signature and handwriting. तो उन व्यूअर्स के लिए जिनको ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ इंग्लिश में होगा, तो ऐसा नहीं है. ये इंग्लिश और इंग्लिश ये दोनों का मिक्सचर रहेगा और सभी को सभी चीज़ें समझेगी. मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये सिर्फ इंग्लिश में ही सिखाया जाएगा. हाँ, जो लैंग्वेज है, जो स्क्रिप्ट है, वो इंग्लिश ही रहेगी, बिकॉज इंग्लिश को हमने स्टैंडर्ड करके रखा है. बाकी सब चीज़ें जो है वो इंग्लिश में सिखाया जाएगा, प्रॉपरली एक्सप्लेन किया जाएगा. तो ये 7 दिन का सेशन है, 7-8 दिन का सेशन जाएगा. मतलब डिपेंडिंग ऑन, अगर एक आधा दिन एक्स्ट्रा लगेगा तो लगेगा. तो 3 घंटा हर रोज, दोपहर 3 से शाम को 6 बजे तक ऑनलाइन रहेंगे और वहाँ पे वेबिनार होगा, सिखाया जाएगा. अब ग्राफोलॉजी सीखने के फ़ायदे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ग्राफोलॉजी सीखा नहीं है, जिनको पता नहीं कि ग्राफोलॉजी क्या है. तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अंडरस्टैंडिंग यूर सेल्फ. आपको इतने साल हो गए, आपको पता ही नहीं कि आप ऐसे क्यों बिहेव करते हो. कई बार आप मसाला डोसा खाते हो लेकिन चीज़ मसाला डोसा नहीं खाते हो. काफ़ी सारे लोग हैं जो थोड़ा भी बटर रोटी या फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो चीज़ है उसको नहीं खाते हैं, और एक दिन जाते हैं और बहुत सारा पैसा खर्चा करके वो खा के आते हैं ना. कई सारे लोग हैं जो बाइक को बहुत मदद भी करते हैं लेकिन उसके बाद उससे एक्स्ट्रा काम भी करवाते हैं. तो हम इस तरह का पर्सनैलिटी हमारा क्यों है, हम ऐसा क्यों सोचते हैं, इसका जो कारण है ब्रिंगिंग है, वो आपको इस क्लास में पता चलेगा. आप एक पर्टिकुलर तरीके से सोचते हो सकता है कि आप 90% सक्सेस पाते हो हमेशा, और 10% लास्ट 10% आपका एनर्जी लूज हो जाता है. आप मॉर्निंग में बहुत बिजी रहते हो और इवनिंग में आपके पास बहुत सारा टाइम रहता है. तो ऐसा क्यों होता है, क्यों आपके हाथ से काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी छूट जाती है, क्यों आप बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म के हो, क्यों आपका बहुत ज़्यादा लोगों से झगड़ा हो जाता है. ये सभी चीज़ों का जो आंसर है वो आपको इसमें मिल जाएगा. हम इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ. दूसरा बात है कि आप शायद मैरिड होंगे, आपके बच्चे भी होंगे, तो आपके जो बच्चे हैं, इन बच्चों के मन में जब आप किसी एक पर्टिकुलर तरह का व्यवहार करते हो, बिहेवियर करते हो, तो इन बच्चों के मन में क्या थॉट जाते हैं और वो बच्चे पे क्या असर डालते हैं. बच्चा किस तरह से, उसका अपब्रिंगिंग जो है वो किस तरह से बच्चा ढलता है, ये आपको इसमें से पता चलेगा. तो इसका एडवांटेज होगा कि आप इसके बाद जब अपने बच्चे के साथ या बच्चे के सामने कुछ अलग तरह का व्यवहार करोगे या किसी भी तरह का व्यवहार करोगे, तो आपको पता रहेगा कि इस व्यवहार का आपके बच्चे के मन के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है. तो अगर आपके बच्चे में आपको एक लीडरशिप क्वालिटी डालनी है, अगर आपके बच्चों को आपको एक अग्रेसिव इंसान बनाना है जो राइट समय पर अग्रेसिव हो, अगर आपके अपने बच्चों को बहुत दयालु या क्या बोलते हैं उसको, लविंग किस्म का इंसान बनाना है, प्यार करने वाला इंसान बनाना है, तो आपने किस तरह का उसके साथ व्यवहार करना चाहिए. तो चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड अपब्रिंगिंग के लिए ये बहुत काम में आता है, पर्टिकुलरली दिस हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस. उसके बाद है क्रिमिनोलॉजी. तो कौन से लोग हैं जो इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि जो अपराध कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकते हैं. कौन इंसान, आपने कई बार देखा रहेगा कि इंसान बाकी लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन वही जब अपने जो क्लोज वंस है जैसे अपनी बीवी या मॉम डैड, उनके साथ उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र हो जाता है, झगड़ालू किस्म का हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है. तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, और क्या इसके पीछे क्या रीज़न है. कौन सा इंसान हत्या करने का या फिर थोड़ा बड़ी पैमाने पे अपराध करने की टेंडेंसी रखता है, ये उसमें से पता चल जाएगा आपको. फिर अगर आप किसी कंपनी में ओनर हो, आपकी खुद की कंपनी है, तो आपकी कंपनी में आप किसी इंसान को जब काम पे रखते हो, तो वो इंसान आपका काम कैसे करेगा, किस तरह से उस इंसान के काम का सही तरीके से उपयोग, टैलेंट का सही तरीके से उपयोग कैसे कर पाओगे आप। कई लोग हैं जो इंटरव्यू में बड़ा अच्छा बात करते हैं, लेकिन यही लोग जब एक्चुअल में कंपनी ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही घटिया काम करते हैं। तो आपका 3-4 महीने का समय बर्बाद हो जाता है और वो इंसान उतना अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाता है। ऐसा तो आपको कई सारा पैसा व्यर्थ चला जाता है। तो इंटरव्यू के दौरान अगर आपने उसका हैंडराइटिंग और सिग्नेचर देखा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका माइंडसेट कैसा है, ये अपॉर्चुनिस्टिक है नहीं है, ये अच्छा काम कर सकता है नहीं कर सकता है, वो रिस्क टेकर है नहीं है, कॉन्फिडेंस है नहीं है। ये सभी चीज़ें आपको उसका हैंडराइटिंग देख के पता चल जाएगी और आपको रिक्रूटमेंट में उसका बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते या नहीं करते वो भी आपको हैंडराइटिंग से पता चल जाएगा। फिर आप अगर शादीशुदा नहीं है और शादीशुदा अभी आप शादी के लिए व्यक्ति देख रहे ढूंढ रहे तो आप उसको भी हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से बड़ी ईजिली ये पता कर सकते हो कि इसका माइंडसेट कैसा है, किस तरह का इंसान है और हम मतलब किसी व्यक्ति ने इस व्यक्ति से शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कंपैटिबिलिटी होता है, ऐसे नहीं कि हर इंसान बुरा या अच्छा होता है, पर लॉक एंड की का चक्कर है। तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरह का व्यक्ति सूटेबल होगा और वो व्यक्ति किस तरह का नेचर रखता है, ये आपको हैंडराइटिंग देख के पता चल जाएगा। तो ये एक एडवांटेज है। फिर होता है आपको बिजनेस पार्टनर, आप कई सारी लोगों के साथ बिजनेस पार्टनरशिप करते हो। हाल फिलहाल मैंने एक कस्टमर देखा, उस कस्टमर के साथ मैंने जब काउंसलिंग किया तो मैंने क्या पाया कि इस इंसान का जो माइंडसेट था वो बड़ा क्लीन और प्योर था फॉर रिगार्डिंग मनी। मतलब अगर ये इंसान बिजनेस कर रहा है तो इसको कभी भी पैसे के लॉस नहीं होंगे। तो इस पर्टिकुलर क्लाइंट ने मेरे 5 जगह पे पार्टनरशिप किया, पर 5 जगह पे ही वॉज द वर्किंग पार्टनर और पैसे के प्रति जो डिसीजन है, पैसे के जो डिसीजन है वो किसी और ने लिए। तो एक्सक्यूज मी, तो ओवरऑल क्या हो गया, इस व्यक्ति के पास का जो पैसा है वो खत्म हो गया, ये व्यक्ति लॉस में चला गया। अब ये व्यक्ति लॉस में जाने का कारण क्या है, क्योंकि पैसे के व्यवहार इसने करने चाहिए थे। अगर पैसे के व्यवहार ये इंसान करता तो इसका पैसा बच जाता। पैसे के व्यवहार उसने दूसरे से करवाया और इसने फिजिकली ऑन द ग्राउंड काम किया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता है, बिजनेस पार्टनरशिप में हम आपको बताएंगे कि किस तरह का पार्टनरशिप आप कर रहे हो, तो इस सामने वाले के साथ काम करना चाहिए या नहीं चाहिए। आपका अगर माइंडसेट कितना भी अच्छा हो, अगर सामने वाले का माइंडसेट अच्छा नहीं रहेगा तो आपको लॉस ही होएगा। तो बिजनेस पार्टनरशिप करते समय भी आप ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस का यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद जो ये तो सब महत्वपूर्ण बातें थी किस लिए आपने ग्राफोलॉजी और हैंडराइटिंग एनालिसिस सीखना चाहिए। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर कर रहे हैं। यहाँ इसमें यह होगा कि इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको, फिर आपका जो पेज कंसेप्ट है वो आपको सिखाया जाएगा, फिर लाइन लूप कर्व का मीनिंग बताया जाएगा। उसके बाद आपको प्रेशर, स्लांट, मार्जिन्स, बेसलाइंस, इन सब का नॉलेज दिया जाएगा। फिर इंडिविजुअल लेटर्स का नॉलेज दिया जाएगा। और ये हर एक चैप्टर मतलब मेरे पास मैंने जब ये लिस्ट निकाला तो करीबन 300-400 टॉपिक का लिस्ट है। किस किस इंसान के अपने माँ बाप के साथ, गवर्नमेंट के साथ, बॉस के साथ रिलेशन खराब होते हैं, किस इंसान का सैलरी नहीं बढ़ता है, किस इंसान का प्रमोशन जल्दी नहीं होता है, आपकी काबिलियत बहुत अच्छी होने के बावजूद भी आपको लोग नोटिस नहीं करते, आपका इनकम नहीं बढ़ता है, आपका प्रमोशन जल्दी नहीं होता है। कुछ लोग बहुत कम काम करते हैं फिर भी उनका प्रमोशन, कम नॉलेज होता है उनको फिर भी उनका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों का जो आंसर है वो आपको ये ग्राफोलॉजी का जो मेरा वर्कशॉप होने वाला है थर्सडे को चालू हो रहा है ऑलरेडी। आप मेरे फेसबुक पेज या मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको मेरा पोस्टर दिखेगा जहाँ पे फीस है 11,800 रुपीज़। 7-8 दिन का ये प्रोग्राम है। उसके बाद 3 सेशंस होंगे जहाँ पे वापस से रिविजन किया जाएगा। ये वीकली होंगे, 3 वीक में 3 सेशन होंगे वीकली जहाँ पे आपका रिविजन किया जाएगा। और बाद में 6 महीने के लिए हम आपको मंथ में एक बार मिलेंगे ऑनलाइन और आपका जो भी चैलेंजेस है, जो आपको हैंडराइटिंग एनालिसिस करते समय कन्फ्यूजन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सभी चीज़ों को हम लोग आपको मदद करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप लोग इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो, मतलब देखो ये तो सभी ने ही अभी करना चाहिए। देखो लॉकडाउन पीरियड है तो ये प्रोग्राम हम बहुत चीप रेट पे दे रहे हैं राइट नाउ, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी घर पे बैठे उनको कुछ तो भी अच्छा हमारी तरफ से इनपुट जाए, उनकी लाइफ में कुछ सुधार ना हो, उनकी लाइफ बेहतर हो जाए, उनके रिलेशनशिप अच्छे हो जाए, उनका खुद का प्रोग्रेस अच्छा हो जाए और बहुत ही बेहतरीन नॉलेज है। तो ये अगर सबसे बड़ी बात तो ये कॉमन सेंस बहुत ही अमेजिंग तरीके से बढ़ाता है ये पर्टिकुलर साइंस। तो आप इसका फीस जो है वो नॉर्मली वी चार्ज इज़ मोर देन 20,000 रुपीज़, यू नो 20,000 से ज़्यादा ही चार्ज करते हैं हर जगह पे। इसमें बाकी जो अगर बाकी कंपेयर ट्रेनर्स के साथ आपने हमको कंपेयर किया बाकी ट्रेनर्स के साथ तो आपको क्या दिखता है कि हम लोग जो है वो सपोर्ट दे रहे हैं, यू नो, जो हमने अचीव किया है, जो हमको आता है वो आपको हम लोग 100% सिखाएंगे। बाकी जगह पे आपको सिखा के बाजार में छोड़ दिया जाएगा या आपको कोई भी असिस्टेंस नहीं मिलेगा। लेकिन हमारा जो असिस्टेंस है आपको अगले 6 महीने तक डेडिकेटेड है। उसके बावजूद भी अनऑफिशियली आप ले सकते हो। 6 महीने तो आपका हक बनता है हमसे सपोर्ट लेने का, हमारे से सीखने का। और हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है, जैसे डिम्पल है, अंजलि है, अंजू है, इन सब से अब रिस्ट वॉच के मेरे काफ़ी सारे 50 के ऊपर के मेरे रिस्ट वॉच एनालिसिस के स्टूडेंट्स हैं। आप उनसे भी हमारा फीडबैक पूछ सकते हो कि किस तरह से हम लोगों ने उनको आउट ऑफ द वे जाके पिछले 3-4 महीने से अलग अलग तरह से सेमिनार किए, वेबिनार्स किए, हम लोग उनको जाके पर्सनली मिले, उनको सिखाया। तो सपोर्ट हमारा काफ़ी बेहतरीन रहता है। हमारा हर एक स्टूडेंट 100% एनालिसिस सीखेगा। 3-4 लेक्चर के बाद आपको एनालिसिस आना चालू हो जाएगा और बड़ा ही ईजी तरीके से हम लोग ये सिखाएंगे कि आपको 101% एनालिसिस आएगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपको रिजल्ट नहीं आया, आपको मज़ा नहीं आया, तो विदिन अ मंथ यू कैन आस्क फॉर द रिफंड। यू नो, वी आर रेडी टू रिफंड द एंटायर अमाउंट। सिर्फ शर्त इतना ही है कि आपको ये बताना पड़ेगा वहाँ पे कि किस कारण की वजह से, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो आप छोड़ के जा रहे हो या फिर वो आप जो पैसा रिफंड मांग रहे हो। क्योंकि अगर वो कारण जेन्यून रहेगा देन वी डोंट, मतलब बाकी स्टूडेंट्स भी हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी इनपुट देंगे, बाकी स्टूडेंट्स भी है वहाँ पे। तो इफ़ यू फाइंड दैट योर थिंग इज़ वेरी वेरी जेन्यून इन टर्म्स ऑफ वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ आवर एफर्ट्स, उस समय पे वी विल गिव यू द रिटर्न, नो डाउट, नो क्वेश्चन आस्क्ड। एंड आई डोंट थिंक देर इज़ नो अदर बेनिफिशियल डील। तो 20,000 रुपीज़ हम नॉर्मली चार्ज करते, स्पेशल लॉकडाउन ऑफर है जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 प्लस GST में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। और इसका टोटल सम होता है 11,800 रुपीज़। और आप अगर मेरे फेसबुक पेज पे देखो तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है 9765261827। उस नंबर पे अगर आप इंफॉर्मेशन या लिंक मिल जाएगा। डोंट मिस दिस चांस, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ, इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। इसमें मिलेगा आपको एंटायर ग्राफोलॉजी में क्या क्या कंसेप्ट है, गेस्टॉल मेथड के कंसेप्ट और ट्रेट मेथड के कंसेप्ट, सभी लेटर्स, सभी तरह के सिग्नेचर्स। और ये रहेगा 8 दिन का प्रोग्राम रहेगा। 8 दिन में आपको करीबन 24 घंटे होगा। 3 घंटे हर रोज़ हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद 3 दिन आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा जो वीकली रहेगा। एवरी वन वीक वी विल मीट फॉर 3 टाइम्स, जहाँ पे हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे रिवीजन करने में और कंसेप्ट को और डीपर अंडरस्टैंडिंग करने में। और उसके बाद आपको हर महीने में एक बार हमारी तरफ से एक ऑनलाइन सपोर्ट सेशन रहेगा, जहाँ पे आपकी जो चैलेंजेस आपको आ रहे हैं, आपको जो तकलीफ हो रहा है एनालिसिस करते समय, आपको एनालिसिस नहीं कर रहा है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो ग्राफोलॉजी का, आपको बिजनेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें हम लोग आपको थोड़ा मदद करेंगे अगले 6 महीने। तो ये ऑफर है हमारा। और if at all you have any kind of query, questions, do let me know and I will solve all of. Right now also if you are having any kind of question, because I'm seeing that a lot of people are there but nobody is answering any question, you can ask the question, I will answer your questions. Thank you for listening up till now. Okay. So Kanchan, Dimple, if you are there right now, you can ask the question. Kanchan Agrawal, if you want to join the session of ours on this Thursday, we are having this session, graphology, signatures. Okay, so I hope आप में से ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन करेंगे। बहुत ही अमेजिंग और यू नो लाइफ चेंजिंग है। मतलब अगर मैं मेरी खुद की लाइफ को देखूँ तो मैं गढ़चिरौली से हूँ, इफ़ यू आर नॉट अवेयर। गढ़चिरौली जहाँ पे जिस ज़माने में मैं पढ़ता था वहाँ पे तो कोई अंग्रेज़ी भी नहीं बोलता था। और मेरे वर्क मॉम डैड जो है वो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे, वहाँ से उनका ग्रोथ हुआ तो ही बिकेम अ ड्राइवर। तो मैं एक ड्राइवर का बच्चा हूँ, ड्राइवर का बेटा हूँ। और ज़्यादा पैसा नहीं था, और उस समय पे ज़्यादा जब पैसा नहीं होता है तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होता है, ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो वहाँ से मैं आया मुंबई। सर मतलब समहाउ आई वाज गुड विद द मैथ्स, तो मैथ्स के कारण बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा काम किया। और उसके बाद मुंबई में VJTI में एडमिशन मिला। VJTI मुंबई फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो उस समय पे मुझको पता चला कि यार दुनिया जो मैंने देखी है और जो दुनिया है, मतलब यू कैन इमेजिन कि मुंबई और गढ़चिरौली, देयर इज़ नो, मतलब गढ़चिरौली में अभी भी ट्रेन नहीं है, अभी भी ट्रेन नहीं है, बड़ी स्कूल्स नहीं है, बड़े कॉलेजेस नहीं है। उस गांव से आया हुआ एक लड़का मुंबई में, तो मैंने सब जब ये चकाचौंध देखी तो आई वेंट क्रेजी, यू नो, आई वॉज इन शॉक फॉर 2 years। मैं 2 साल तक तो ना किसी से ढंग से बात कर पाया। उसके बाद जब मैंने बात करना चालू किया तो मैंने देखा कि मेरे साथ जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको मेरे आजू बाजू के आसपास के जो लोग हैं, वो बड़े ही क्या बोलते उसको, पॉलिश्ड फैमिली से थे। कोई ऑलरेडी किसी इंजीनियर का लड़का था, किसी के पास ऑलरेडी बड़ी फैक्ट्री, जिसके डैड की बहुत बड़ी फैक्ट्री थी, कोई किसी के पिता बड़े भाम बहुत बड़े लेखक थे, यू नो। तो बहुत पॉलिश फैमिली से सभी लोग थे और उस समय पे मुझको एहसास हुआ कि आई डोंट नो एनीथिंग, यू नो, आई हैड नो इंटेलिजेंस, आई हैड नो अवेयरनेस। ओके, आजकल के ज़माने में इंफॉर्मेशन को इंटेलिजेंस से रिप्लेस किया गया, ऐसा नहीं होता। इंफॉर्मेशन होता है, इंटेलिजेंस होता है। तो ग्राफोलॉजी में ये भी एक तरीका है जहाँ पे आप अपना खुद का इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हो ग्राफोलॉजी का यूज़ करके। तो उस समय पे मैं बहुत पीछे चला गया, बहुत पिछड़ गया, क्योंकि पिछड़ा हुआ ही था और इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है और बहुत पीछे चला गया। तो उस वक्त जब मैं स्ट्रगल कर रहा था मेरी लाइफ में, उस समय पे ग्राफोलॉजी मेरी लाइफ में, और जब ग्राफोलॉजी मैंने सीखा तो मैंने पाया कि कौन सी वो प्रोग्रामिंग्स है, कौन से वो चैलेंजेस है। जैसे मैं इंटेलिजेंट नहीं था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर था, या फिर मेरे पास उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो मैंने ग्राफोलॉजी में, हैंडराइटिंग में ऑब्जर्व किया कि अच्छा मैं ऐसा हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझको पता थी, वो भी जब मैं कि अरे हैंडराइटिंग में से ये ऐसे पता चल जाता है कि मैं इस तरह का इंसान हूँ, तब मैंने डिसाइड किया कि लेट्स वर्क ऑन आवरसेल्व्स। तो मैंने सबसे पहले मेरे इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटी पे काम किया, मतलब किसी भी चीज़ को चालू करने की क्षमता। फिर मैं बहुत ज़्यादा थिंक करता, मतलब मेरा थिंकिंग ज़्यादा होता था, एक्शन कम होता था। दैट्स व्हाई आई वाज वेरी गुड विद द चेस, मैं चेस अच्छा खेलता था, बाकी सब स्पोर्ट्स उतना अच्छे नहीं खेलता था। तो मैंने दूसरा काम जो किया खुद के ऊपर, वो मैंने किया, मेरा एक्शन टेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ाया। पहला था रिस्क टेकिंग एबिलिटी और इनिशिएटिव एबिलिटी, फिर एक्शन टेकिंग एबिलिटी। फिर मैंने मेरे इंटेलिजेंस पे भी काम किया, क्योंकि इंटेलिजेंस मेरे को हैंडराइटिंग में दिख रहा था कि इंटेलिजेंस भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो इंटेलिजेंस बनाने के लिए क्या। फिर ऐसे करते करते मैंने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक जो मेरे में नहीं थे, जैसे जैसे मैं आज आपके सामने देखता हूँ, ऐसे में 10-15, मतलब जो लोग मुझको पहचानते हैं, जो लोग मुझको जानते हैं, वो लोग आपको कंफर्टेबली बता पाएंगे कि मैं ऐसा कभी नहीं था। जो आज मैं जितना कॉन्फिडेंटली बात करता हूँ, जितना चीज़ें मैं करता हूँ, जितने बड़े बड़े लोगों के साथ बात करता हूँ, कंफर्टेबली डील्स करता हूँ, नेगोशिएशन कर पाता हूँ, तो ये सब चीज़ें मुझ में नहीं थी। और ये मेरे को पता चला ग्राफोलॉजी से कि ये सब चीज़ें मेरे में नहीं है। तो फिर मैंने ग्राफोलॉजी का यूज़ करके ये सभी चीज़ों को धीरे धीरे खुद में प्रोग्राम किया। और ये प्रोग्रामिंग के बाद आज मैं बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं, करेजियस बन गया हूँ, अग्रेसिव इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ मतलब अग्रेसिव एट राइट टाइम। वो सभी चीज़ें मैंने धीरे धीरे अपने में ग्राफोलॉजी का यूज़ करके इंट्रोड्यूस की। और तब मैंने डिसाइड किया कि अगर ग्राफोलॉजी मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा फ़र्क ला सकता है, अगर हैंडराइटिंग चेंज और सिग्नेचर चेंज मेरे लाइफ में इतना ज़्यादा फ़र्क ला सकता है, जो कि एक पिछड़े समाज का व्यक्ति, जिसके माँ बाप, जिसकी पूरी फैमिली में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, पूरे फैमिली में किसी के पास 2 व्हीलर नहीं है। मेरे फैमिली में, मतलब जब हमारे पास 2 व्हीलर था तब किसी के पास 2 व्हीलर नहीं था। तो मैं पहला इंसान हूँ मेरे फैमिली का जिसने 4 व्हीलर को खरीदा। 100 लोग हैं अगर फैमिली ट्री में, तो पहला 4 व्हीलर जो मेरे पास है। तो ऐसे में अगर मैं चेंज हो सकता तो क्यों ना मैं इस साइंस को बाकी लोगों तक पहुंचा के बाकी लोगों का भी लाइफ चेंज करूं। तो बाकी लोगों का लाइफ चेंज करने के लिए मैं ये ग्राफोलॉजी को सिखाना चालू किया। ऐसे नहीं कि मतलब मैं तो जो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, अच्छा खासा बिजनेस दूसरा था, पर फिर भी जो लोगों को मदद करने की इच्छा है, लोगों में वो बदलाव, वो बदल जो मेरे में लाया या मैं कर पाया मेरे में, वो आप लोगों तो पहुंचाने के लिए फिर मैंने ये ग्राफोलॉजी फुल टाइम पढ़ाना और लोगों तो पहुंचाना चालू किया। तो यही अपॉर्चुनिटी है जो अब तक मैंने बोला है। आप पेज पे जाओ देखो, तो जो मैंने मेरे खुद में बदलाव लाए, खुद की लाइफ चेंज किया है ग्राफोलॉजी यूज़ करके, वही मैं चाहता हूँ कि आप लोग करना चाहिए, आप लोग के लाइफ में वो चेंजेस आने चाहिए। उसके लिए ये सब एफर्ट्स है, उसके लिए ये सब मराठी में बोला तो ये हा जीवाचा आटा पिटा त्यासाठी आहे की तुम्ही लोकांनी हे शिकावं, तुम्ही लोकांनी स्वतःच्या स्वभावामध्ये आयुष्यामध्ये बदल घडून आणावं। तो हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप, ये तीनों जगह पे हम आपको मदद करेंगे आपकी लाइफ को 100% बेटर करने के लिए बाय यूजिंग द साइंस ऑफ ग्राफोलॉजी एंड हेल्थ एनालिसिस। तो डोंट मिस दिस चांस टू लर्न दिस। एनी क्वेश्चन इफ यू हैव, आई एम हियर टू आंसर दिस। हाय कुणाल, नाइस टू सी यू हियर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड माई स्टोरी एज वेल एज द पिचिंग ऑफ द कोर्स, एंड डोंट मिस दिस चांस टू लर्न दिस वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।